लगातार 10 साल से मानव सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाकर चलने वाले संजय राजानी इन दिनों भी जमीन पर उतरे हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते संजय राजानी इन दिनों लोगों को मास्क और सैनिटाइजर तो बांट ही रहे हैं, साथ ही गरीब और असहाय लोगों को खाना व कपड़े भी बांट रहे हैं। तेरे नसीब में मैं हूं के नहीं, है ना? उन्होंने एक रिक्शा के माध्यम से चलित नेकी की दीवार का प्रबंध किया है, साथ ही अपने 6 से 7 साथियों के साथ मिलकर खाना, चाय व पानी का इंतजाम किया है। राजानी बताते हैं कि पहले वह यूएई में कार्यरत थे, लेकिन 10 साल पहले भारत आते ही वे मानव सेवा में लग गए। सर, आप ये जो लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, आपने चलित नेकी की दीवार जो चालू किया है, ये आपने कब से चालू किया है? इसे मार्च में 10 साल पूरे हो गए, और पिछले 10 साल से 365 दिन एक दिन भी खाली नहीं जाता है, तो सेवा चलती रहती है। ये सुबह चाय पानी ये प्रशासन के जो सरकारी रहते हैं उनके लिए, और शाम को इसमें खाना बटता है, आलू पुलाव, गोभी पुलाव, मटर पुलाव या जो पूड़ी सब्जी, और किसी का ऐसा कचौड़ी समोसा मेरे टाइम में बचा हुआ रहता है तो वो उस टाइम में देते हैं। एक समय रहता है, उस सीमित के समय के अंदर ही इनका खाना बटा जाता है, वो भी ताज़ा। आप अकेले ही एक चीज़ कर रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? मेरी कोई संस्था नहीं है। अगर जब आपको नेकी करनी है तो फिर संस्था क्या, सरकारी क्या, एनजीओ क्या? अगर आपको नेक काम करना है आप भी कर सकते हो और कहीं भी कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। ये 10 साल से कर रहे हैं, और इसमें गाड़ी में फ्री सर्विस रहती है, जैसे किसी को कहीं जाना रहे तो वो भी फ्री है, खाना भी रहता है, कपड़ा और चप्पल भी रहती है, और किसी को ऐसे गाड़ी बंद हो जाए वो भी रहता है, एम्बुलेंस भी रहता है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। ये जो आपने अभी गरीबों को कपड़े पहनाए, ये आप मतलब ये भी आप पर्सनली कर रहे हो, कब से कर रहे हैं? ये टोटली पर्सनली है, मेरे सब 6 या 7 मित्र हैं जिनका पर मंथ 6,000 आ जाता है या 8,000 ऐसा, और बाकी का जो भी बजट रहता है मैं खुद इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम संजय राजानी है, और ये सारा दिन गाड़ी चलती है, और मैं 17 ईयर्स यूएई में रह चुका हूँ, जो अभी पिछले 10 साल से यहाँ पे मैं ये सेवा दे रहा हूँ अपने देशवासियों के लिए। आपका